और जिसमें रह रहे हो, ये ब्रह्मांड की छाया है। ऊपर के लोगों की छाया, और छाया को पकड़ते पकड़ते कितने दिनों, कितना समय हो गया, अभी तक छाया पकड़ में नहीं आई। सब लोग छाया को पकड़ रहे हैं, ये मेरा सुंदर बच्चा, ये मेरी काली बच्ची, ये मेरी श्याम स्त्री, ये मेरा जो है पुरुपति, इसको पकड़ते पकड़ते लेकिन अभी तक हाथ में। तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये पिंड लोक है, इसके ऊपर में अंड लोक है, ये मृत लोक पिंड लोक, ये पांच तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पांचों तत्व इसमें प्रधान है और सूरत इसमें बंद है। दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में सब में बैठी है, गाय की भी यही बैठी, बकरी की भी यही बैठी है, शेर की भी यही बैठी, ऊंट की भी, हाथी की भी यही बैठी है, छोटे छोटे भुनगे जीव जंतुओं की यही, और सब में दो आंख और दो कान और दो नाक, सब में छोटा से छोटा जीव होगा उसमें दो आंख दो कान दो नाक। ये आप अच्छी तरह से इसको फिर गहराई से देखने साधन सुन नहीं सकती, साधन कर नहीं सकती, वो अभ्यास नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, उनको मालूम नहीं कि अभ्यास क्या थी। आप अभ्यास कर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन वो लंबा और वो सीधा सबके यही बैठे इसी जगह। ये पांच तत्वों का पिंड लोक है, मृत लोक, और ये खोल है, सबसे मोटा खोल ये है, इससे मोटा खोल और कोई भी नहीं। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया, अगर इससे आप निकल जाओ, इसको छोड़ दो आप और ऊपर चले जाओ, तो वो अंड लोक है, अंड की रचना, उसमें ये पिंड नहीं है, ये शरीर नहीं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं, उसमें दस इंद्रिया चतुसंतागरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों की वो लिंग सृष्टि, और वो जो स्वर्ग वैकुंठ, लिंग सृष्टि का स्थान स्वर्ग वैकुंठ, उसमें इंद्रिया है, 10 इंद्रिया चतुसंतागरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसमें इस गोल में जीवात्मा बंद, लेकिन इससे बहुत बारीक खोल है, ये जड़ है, वो ये जड़ इस तरह का नहीं, लेकिन खोल तो खोली है, वो मतलब ये है कि मुलायम और मतलब बारीक है, तो उसमें दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल प्रश्न इस बात का कि वहां कोई साधना नहीं, लेकिन शरीर में रह करके कोई साधना नहीं, साधना होगी तो इसमें, तो इससे जीवात्मा को निकालो पिंड से, इस खोल से पात्र तो के, तो फिर लिंग में चली जाए, उसमें बंद है, इसमें से निकलेगा तो लिंग शरीर है। और स्वर्ग वैकुंठ के परे जब शक्ति लोग, ईश्वर का धाम और उसके लोग जितने भी आते हैं वो सूक्ष्म लोग हैं, इनके सबके अलग अलग सीमा है, ये यहां तक है स्वर्ग, यहां तक वैकुंठ है, इसमें लिंग लिंग लोग है, देव लोग, इसके परे सूक्ष्म लोग, वो आद्या मा शक्ति का, निरंजन भगवान का,
और उसमें बहुत बात बात के लोग हैं, वो है सूक्ष्म लोग और नौ तत्वों का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श और रूप और रस और सुगंधि, ये पांच ये, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार ये हो गए नौ तत्वों का। अब इंद्रियां छूट गई, रजोगुण समोगुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये नीचे रह गया, ये रह गया लिंग लोक में, इंद्रियां लिंग लोक में रह गए और सूक्ष्म लोक में ये नहीं है। तो वो आद्याम आ सकती है और ईश्वर का धाम, उसकी एक सीमा है, इतना ये सूक्ष्म लोक है। वो भी मतलब ये है कि छोटा मोटा तो नहीं है, वो भी एक तरह से तुम्हारे लिए अपार है। महापुरुषों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके आपके साथियों के लिए अपार। ऊपर में माया का लोक है और फिर ब्रह्म का धाम, ईश्वर अलग है ब्रह्म अलग, वो है कारण लोक। ये स्थूल पिंड लोक और लिंग लोक स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म लोक शक्ति का धाम और निरंजन धाम, यानी ईश्वर का घाट का धाम खुदा का, वो मतलब ये है कि वो सूक्ष्म लोक और उसके परे माया, और माया के ऊपर में ब्रह्म, उसको कहते हैं कारण लोक। उसमें क्या क्या है, सब देश पर स्वरूप रस कर, बस ये पांच तत्व का है। वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहां पर चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, दसों इंद्रियां नहीं है, और ये पांचों तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये शरीर, बस सब देश पर स्वरूप रस कर। अब सूरत को ये बोध होता है स्वर्ग है, ये रूप है, ये रस है, और ये मतलब ये कि कंध है, ये स्पर्श है, ये वहां पर उसको बोध होता है स्वरूप, इसी से निकल के जाएगी और इसी में लौट आएगी, वो है कारण लोग। तो ये कारण लोग बहुत बारीक झिल्ली है, यानी कपड़ा वो भी है, एक तरह का कपड़ा है बहुत झिल्ली, उसमें दिखाई तो देता है सब, लेकिन सूरत उसमें बंद है। अब इसके परे अगर सूरत चली जाए तो कर्मों की हद के परे चली गई, परे तो उधर है प्रकृति लोक, प्रकृति लोक है, और ऊपर में पार ब्रह्म है विराजमान। तो सूरत जब उस धार को उस नाम को शब्द को पकड़ लेती है तो शब्द रूप हो जाती है। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, ये वहां जाकर के स्वयं शब्द रूप। अब इसको न स्पर्श न इसका शब्द है न इसका रस न रूप न गंध, अब शब्द रूप हो गई, ये दूसरों को देने लगी, अब दूसरों को इनसे इससे रस मिलने लगेगा, शक्ति मिलने लगेगी, ज्ञान मिलने लगेगा, शब्द रूप हो जाती है। जब सूरज शब्द रूप हो जाती है तो वो पार उतर जाती है, उस सूरत का जल नहीं होता, फिर वो यहां नहीं आएगी, या वायु नहीं निकल जाएगी, तो चली गई ऊपर, उधर अब कर्मों की हद के परे चली गई। अब ये चारों शरीर अलग अलग हो गई, तो ऊपर में अलग अलग है, तो पार ब्रह्म का उसकी छाया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक की छाया ईश्वर लोक में, ईश्वर लोक की छाया है स्वर्ग वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ की छाया यहां। तो जो ब्रह्मांडे सुपिंडी अब यहां ढूंढ रहे हो, आप क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं है किसी को क्या। और ये तो इतना है कि अगर अंदर की तरफ में जब घुस जब सूरज जाती है तो देखती है कि माया का लोक कितना बड़ा है, ये जितना सारा संसार स्वर्ग वैकुंठ इससे कितना करोड़ों हिस्सा बड़ा, ऊंचा और नीचा,
कितने करोड़, यानी जोजन मील नहीं है वहां, कोस नहीं है, जोजन है, तो इतना तो उसका माया का लोग पड़ा। तो ऐसे लोग को ये पार करके सुरक्षित उस पार कैसे जा सकते हैं, ऐसे कोई इसको नहीं ले जा सकता। इसलिए इसको ऐसे बंधनों में जकड़ के रखा कि निकल के किसी तरह से जाने रखा है, लेकिन महापुरुषों ने ऐसी कृपा और दया की है कि धीरे से इनको अपना सत्संग दिया, वचन सुनाए, दुनिया का सब कुछ बोध कराया और कहा देखो यहाँ क्या है तुम्हारा, जिसमें तुम कुछ चाहते हो कुछ मिला तो ये खुद ही चिल्लाता है कुछ नहीं। अभी हम पूछ रहे थे जब मिल रहे थे, मैंने कहा भाई कुछ मिला के लिए कुछ नहीं मिला, फंस गया और रास्ता तो अब तक मालूम नहीं क्या करें, अपना तो कोई तदबीर कोई उपाय कोई मतलब होती भी नहीं, कोई काम करता नहीं, कोई तीर तलवार भी नहीं कि उसको साफ कर दे, अब वो तो रास्ते से साफ क्या करें बेचारे फंस गए। इस तरह से जीवात्मा को उधर ले आकर के और शरीरों में बंद करके और यहाँ ला करके फिर इसमें डाल दिया खोल में। वैसे तो शुरू शुरू में जब विधान नहीं बना था पाप का पुण्य का सत्य का सत्य का, तो सूरत यहाँ बैठी थी, पूरा रास्ता खुला था, आग खुली थी, कान खुले थे, ये सब सुनती थी और सब देखती थी, कोई चीज आज से अंत तक जहां इसका घर था, जिस उनके जिस पिता के पास से आई वहां और यहां तक कुछ रास्ता बंद नहीं था, खुला हुआ था, लेकिन पीछे से जब रहते 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 जब जान लिया कि तुम सब चले जाओगे तो बंधन लगा दिया, तब बंधन लगाया तो आपको कर्मों से बाधा, अभी तक तो रास्ता खुला था, अब लो अब ये पुण्य करो ये पाप करो, और पुण्य का पुण्य और पुण्य का पुण्य सबका अलग अलग उसका जमा रहेगा, उसी को कहते हैं संचित कर्म, पहले कभी के आपके जमा है, जब ये सब आप रोक लोगे तो संचित कर्मों का आप तो मिलेगा आपको उस कारण, यानी पर्दे से बाहर जाने के लिए शरीर से, और उसमें नहीं करे तो फिर लौट आओगे, फिर वापिस आओगे, फिर सूक्ष्म शरीर के अलग जमा होंगे, लिंग शरीर के अलग जमा होंगे, स्थूल शरीर के अलग, तो सबका भोग अलग अलग है। अगर आपको मिल गया कोई तब तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, तो जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, अब इस छाया में तुम दौड़ रहे हो, ये सूरज कोई असली थोड़ी है, ये तो नकली है सूरज, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, उस सूरज का उस तरह उस आकाश का उसका उसका और उसकी रोशनी आपकी आ रही है, सूरज चांद का नहीं असली सूरज है ना असली चांद है, ये अक्ष है उसकी छाया है, और छाया में फंसे पड़े हो कैसे निकल के जा सकते जब तक जानकार नहीं मिलेगा तब तक। इसलिए सत्संग गीत हो आपको हर वक्त जरूरत थी, जब से बच्चा जन्मा था अगर उसको सत्संग में कर दिया जाता तो आज जाग ना जाता, नहीं नहीं मत जाओ साधु बन जाओगे घर बार छूट जाएगा तुम चले जाओगे, तो लोग लालच में तुम भी फंस गए, तुम्हारे माँ बाप तक ना खुद गए ना जाने दिया और ना तुम्हारे बच्चे गए, बस इसी छाया में फंस गए, अब रोते और चिल्लाते। तो आपने शरीर सुख का कोई काम नहीं किया, सब शरीर दुख के काम किए, तो आपको सुख कैसे मिल जाएगा, उसने शरीर सुख के लिए भी काम रखा, ये काम करो तो शरीर से सुख मिलेगा और शरीर से ये काम करोगे तो शरीर से दुख मिलेगा, इसीलिए उसने बांट दिया कि ये पाप है ये पुण्य है, ये अच्छे काम को करना पाप को मत करना बुरा काम मत करना। तो आपने न बुरा समझाना, सत्संग में जाते रहते तो आपको समझ मिलती रहती और आप मजबूत रहती विवेक रहता, लेकिन सत्संग में गए नहीं तो बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया कि क्या अच्छा क्या बुरा सकती है, बुरा भी ठीक है अच्छा भी ठीक है सब ठीक है।
उसी में खुशी। अब मेले हो गए, अब बोझा कौन टालेगा, इसको कौन उतारेगा, कौन धोएगा? अरे तो धोबी का। जब सूरत और मनो बुद्धि और चित्त जब गंदे हो जाते हैं, जो तुम्हारा कपड़ा गंदा होता है साबुन से या किसी और मसाले से नहीं, गंदगी छूटेगी तो धोबी को देते हो। फिर भी बहुत कोशिश करता है धोबी, फिर भी दाग रह जाता है। ऐसे ही कर्मों का दाग इन जीवात्माओं को लग गया तो बिना महात्माओं के धोलेगा नहीं, कोई नहीं धो सकता। सच्चे महापुरुष ही धोबी होते हैं। वो जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को धोते होते हैं। किसी के पास में धोने की युक्ति नहीं तो क्या धोएंगे उनको? इसलिए तुमको अपना गंदा कपड़ा किसी को दे देना चाहिए कि लीजिए इसको धोना ही है। तो साफ सुथरा कर देगा और कहेगा देखो तुमने हमको अपना आपा दिया था कपड़ा, हमको उत्तम रूपी कपड़ा हमको दे दिया, हमने दो धा के ठीक किया है, आज से बुरा काम मत करना, सब अच्छे काम करना। तो घर में रह करके दुकान में दफ्तर में सब अच्छे काम करो, कौन कहता है बुरे काम करो? सेवा करो, सत्य बोलो, दया करो, प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, कौन कहता है? अच्छे काम करो, यही अच्छे काम, ये मनुष्य के अच्छे काम है कि दूसरी आत्माओं को आराम मिले, सुख मिले। और तुम अपने काम से दूसरों को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा, इसलिए अच्छा काम करो। तो महात्मा के बिना इसको कोई धोएगा नहीं। तो अब आप बड़े ध्यान से सत्संग को सुनिए, ये तो मैंने आपको ऊपर की बात बताई है, या कुछ नहीं, हम भी किराए के मकान में हमको भी छोड़ के जाना, इसको छोड़ देना, ये अपना नहीं है, ये दूसरे ने दिया। और ये कहा कि देखो मेरे मकान में रह करके अपना काम कर लो और मुझे मकान दे देना, लेकिन साफ सुथरा देना, जैसा दिया वैसे, इसमें गंदगी को जमा मत करना, और गंदगी जमा करोगे तो कुटाई करूंगा, पिटाई करूंगा, सजा दूंगा, इसलिए गंदा मत करना, अपना काम कर लो, जीवात्मा को जगा के पहुंचा दो मेरे शरीर के द्वारा और मुझे वापस कर दो। तो आप पहुंचा हो क्या, तो ले लीजिए सामान, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी दया, बड़ी कृपा हुई कि आपने अनमोल मनुष्य शरीर दे दिया, मैंने आपके शरीर के द्वारा जीवात्मा को जगाया, मैं आपका बड़ा एहसान मन उसने बता दिया। तुम कहोगे नहीं 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 मैंने ये नहीं जाएगा, और लोगों ने चिल्लाओगे तो मानेगा वो? पहले सोचो, तुम्हारे पास कोई उपाय है दौलत से, तीर तलवार से? अगर ऐसा होता तो तलवार लेकर के, गोले लेकर के उस सड़क खाने खड़े हो जाते, तो कहते नहीं ले जा सकते, वैसे दिखाइएगा फट से ले जाएगा, छोड़ नहीं सकता। तो आप बड़े ध्यान से सुनो, तमाम लोग कहते हैं कोई ईश्वर है, कोई खुदा है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई कोई है, ये सब लोग चिल्लाते हैं। अरे भाई ये लोग जो आए हैं, राम आए, कृष्ण आए, या मतलब है मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, ये जितने भी लोग आए अपने अपने वक्त में, अपने अपने वक्त में और अपने अपने स्थान के ठीक थे, इनको भी किसी काम के लिए भेजा था। एक सुरत, एक जीवात्मा, एक रूप ऊपर से उतार दी जाती है कि जाओ, लोग में व्यवस्था बिगड़ गई, धर्म नाश हो गया, प्रेम चला गया, दया चली गई, सेवा चली गई, आदर सत्कार, जाओ इनको शिक्षा दो जाकर। तो उनको वो शक्ति पावर देती है, शक्ति देकर के, ताकत देकर के आप देते, वो कहते हैं जाओ काम करो जाकर। तो यहां आते हैं, काम करते हैं, और फिर उसके बाद काम किया वापस हो गए, वापस हो गए, कोई अपने अपने स्थान के अवतार कहलाते हैं, कोई दुर्गा अवतार, कोई ब्रह्म का अवतार, कोई पार्वती का अवतार, कोई ब्रह्मा का अवतार, कोई विष्णु का अवतार, कोई शक्ति का, कोई कहलाते हैं। तो अपने अपने समय में
जिसने जिसको अपराध किया था वो ठीक था, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता। गेहूं को तो आपने देखा नहीं, किसान कैसे थे, कृषि कैसे थे, उस समय ठीक था, और वो जो नाम थे वो अपने वक्त में ठीक थे, लेकिन अब उनसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अब कोई कमाई वाला होना चाहिए जो नाम जिसने सिद्ध किया हो, जो नाम सिद्ध करेगा उसी नाम का जीवात्माओं को लाभ होगा, जो नाम सिद्ध नहीं करेगा उससे कोई लाभ नहीं। चाहे वो सतयुग का नाम हो, चाहे त्रेता का नाम, चाहे द्वापर का नाम, चाहे कलयुग का, सिद्ध किया हुआ नाम लाभ करता है बगैर सिद्ध के। तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, सिद्धि तो करते नहीं। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई इसका भेद नाम का, अब आपको समझाते हैं। कहते हैं भाई भेद क्या है नाम का, नाम किसको कहते हैं? राम 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 कृष्ण कृष्ण खुदा 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 गाट गाट गाट, कोई भी चिल्लाते रहो, देवी देवी देवी, कुछ भी चिल्लाओ, लेकिन नाम क्या चीज है उसको महापुरुषों ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया। असल में चीज यह है कि आप उनको बुरा क्यों कहते हो अपने वक्त में, ठीक है, आप काम नहीं होगा उनसे, इसलिए वो अनेकों नाम का है। विष्णु भगवान के 1000 नाम, तो परमात्मा के उसके बहुत नाम, ऐसा तुमने क्यों कह दिया एक ही नाम, उसके बहुत से नाम। अरे तुम घर में देखो, पिता को पिता कहोगे, पिता को फादर कहोगे, पिता को डैडी कहोगे, पिता को ये कहोगे, अब वो तुम हो तो एक ही, लेकिन ये है कि कई भाषा में बोलते हो, ठीक है। हमें इसी तरह से उसके अनेकों नाम रख दीजिए, फिर भी कोई नाम नहीं, और वो सब नामों में बोलेगा, लेकिन सिद्धि तो करो, सिद्धि नहीं करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी तक भ्रमित थे कि जय गुरुदेव नाम तो कोई किसी आदमी का, मेरा नाम तो है नहीं, जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है और ना आपका, ये उसका नाम है। ये जब तक जगाया नहीं जाएगा, सिद्ध नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं करने वाला, तो जगाने की जरूरत, सिद्ध करने की जरूरत, तब जाके लाभ होता है। और आप लोग इस राज को, इस रहस्य को समझते नहीं हो, तो बड़े प्यार से समझा रहे सब, कि भाई नाम क्या चीज है, इसका दोनों का भेद बोलो। कहते हैं कि वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक उसको कहते हैं जो जिज्ञासा से बोला जाए, कोई नाम हो, जो भी शब्द आप जिज्ञासा से बोलोगे वर्णात्मक। और धुनात्मक नाम है जो अपने आप हो रहा, तो जिज्ञासा नहीं बोले, वो अपने आप बोल रहा, वो तो चेतन की आवाज है, चेतन बोल रहा, और उसको कौन सुनेगी? सुरत, ये बुद्धि नहीं, सुरत, तो सुरत है चेतन, उसमें कान है वो सुनेगी। तो जो जिज्ञासा से बोला जाए वो वर्णात्मक है, और जो अपने आप धुन आ रही है वो धुनात्मक नाम। तो असल में सुरत को कैसे दोगे, इसको किस तरह से, जब तक धुनात्मक नाम नहीं मिलेगा तब तक ये सुरत भूल नहीं सकती, इसकी सफाई नहीं हो सकती। वर्णात्मक नाम को लेने से इतना होता है, मन और बुद्धि थोड़ी देर तक, कोई किताब पढ़ो तो थोड़ा सा रुके रहेगा, फिर बैठ जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त अगर विवेक से पढ़ोगे, कोई भी किताब महात्मा की किसी की पढ़ो और विवेक से पढ़ो, तो मन और बुद्धि और चित्त है ये आपके थोड़े बहुत रुकते हैं और शुद्ध होते हैं, लेकिन जीवात्मा पर उसका कोई असर नहीं। इनसे मदद ले सकते हो, लेकिन धुनात्मक नाम से सफाई होगी। जो अंदर कूड़ा कचरा जमा कर रखा है कर्मों का, वो बिना धुनात्मक नाम के जाएगा। कहते हैं कि चाहे कोई अक्षर हो, चाहे कोई वर्णमाला हो, चाहे कोई नाम हो, जो जिज्ञा से रसना से, जो रसना कहते हैं जिज्ञा, उससे जो बोला जाए वो वर्णात्मक, वो वर्णात्मक।
बगल में बात यह है, तभी तो काम आत्माओं ने कर्मे तो माला फिरे, ऐसे ऐसे बैठे हुए देख रहे हो कर्मे माला फिरे, जी फिरे मुखमाए, मनवा तो चौधरी फिरे, यह तो सुमृदना है। ये जो आप वर्णात्मक नाम ले रहे हो, दिव्यात्म रचना से कोई भी नाम आप लेते हो, इस तरह से लेते हो, ये कर कहते हैं ये उंगलियां काम करने वाली, इनमें माला घूमती रहती है, और मतलब ये कि नाम दिव्या से लेते रहते हो और मन में चारों तरफ घूमता रहता है, ये वरना तो उससे क्या असर होगा, कुछ नहीं होता। माला भी घूम रही, गाली भी दे ली, माला भी घूम रही, बाप भी कर ली, राम राम भी कर लिया, और ये भी नाम ले लिया, वो भी, ये सुमरण नहीं, ये अपने आप को धोखा देना, उस समय खराब करना, ये सुमरण है। जो आप सोच रहे हो कि इससे हमारी सफाई हो जाएगी, इससे सफाई नहीं, बोलो कहते हैं जो भी नाम लिखने पढ़ने में आ गया वो वर्णात्मक नाम है, और जो लिखने पढ़ने में नहीं आता वो वर्णात्मक नाम, और उसको सूरत सुनेगी वो चेतन है उसी काम से, तो जब तक वो नहीं जागती है तब तक नहीं सुन सकती, और जाग गई और कान खोल गए तो सुनने लगी, वो धनात्मक नाम है, और ये जो लिखने पढ़ने में आ गया वो अनात्मक। अब आप इसको पढ़ते रहो, तो जरूरत तो थी आपको कि इससे मदद लेते इंद्रियों की शुद्धि सफाई के लिए, और साफ हो जाते तो अंदर की चीज पकड़ लेते, अंदर का नाम पकड़ लेते, क्योंकि वो तो आवाज दे रहा, वो तो नाम जगा हुआ और सोकम रहा, वो तो चेतन हो तो बोल रहा, वो तो सब जीवात्माओं को घाट पर बुला रहा, लेकिन आवाज घाट में आएगी, घाट छोड़ दोगे तो आवाज सुनाई देगी, घाट पर आवाज आ रही है और तुम उधर सुन नहीं रहे, जैसे कोई आवाज होती रहे तुम लगे हुए हो, मशगूल हो, तदरूफ हो किसी काम में किसी बात में, और आवाज आ रही है और उन्होंने कहा देखो इधर से आवाज आ रही, तो जब आपने बंद किया ध्यान हटा तब आपको सुना दिया कि आवाज तो आ रही। इसी तरह से जब महात्मा वेदी मिल जाए कहते अरे भाई इधर से जरा चल जाओ, रुको इधर से जरा उधर ध्यान देंगे, सुनो जब वो ऊपर से बुला रहा, जब आप सुनोगे तो सुनाई देगा। तो ये लिखने पढ़ने में आया वर्णात्मक नाम, तो बहुत तरह के नाम आए, एक दो नाम किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने सतयुग का नाम, किसी ने त्रेता का नाम, किसी ने द्वापर का कलयुग लगा हुआ, तो लिखने पढ़ने में वो धनात्मक नाम नहीं है, वर्णात्मक है, धनात्मक है। बोलो कहते हैं कि ये फल कब मिलेगा, जो आपको जिव्या से यानी आपको बताया गया कि ये नाम है, तो मतलब है कि ये उसको लिखाएगा, लेकिन कब लिखाएगा, जब इसका भेदी उनका मिल जाएगा गुरु, बिना गुरु के नहीं लिखेगा ये नाम, बगैर गुरु के उसको नहीं पा सकते हो, तो गुरु मिलना चाहिए, जो ऐसे वर्णात्मक नाम से मन बुद्धि चित्त को साफ कर दे और फिर उसके बाद अंदर धसा दे और उससे मिला दे, तो उससे उसको लिखा दे, लिखा दे तो ये नाम है वर्णात्मक, ये तो नात्मक नाम है, दोनों को बता दे कि ये काम किया इंद्रियों की सफाई, और इसे सूरत को मांझो, जीवात्मा की शुद्धि सफाई कर लो, तब वो पर्दा उतरता है जिंदगी का, नहीं तो पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में लेप चढ़ा, कर्मों का लेप चढ़ा हुआ उतरता है तो दिखाई देता है कि कैसे कैसे उतारा जाता है, उतरता है, तभी तो सूरत को अनुभव होता कि हमारे ऊपर कर्मों के कितने पर्दे लगे हुए, बगैर उसके नहीं सकता। कहते हैं इसका भेदी मिलना चाहिए, तो लखने में आएगा, भेदी नहीं मिलेगा गुरु तो आप इसको नहीं देख सकते न सुन सकते। बोलो कहते हैं अगर नाम का भेदी उस धुन को प्राप्त करने वाला, धुन को पकड़ के चढ़ के आने जाने वाला मिल जाए, तो सूरत को
सफाई कर सकते हैं, उसमें तो पावर है, उसके पास सब शक्ति है, हर तरह की शक्ति है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन मिलना चाहिए वो, तो नहीं मिलेगा तो काम नहीं। तो दुर्गा जो धनात्मक गुण है उसका जब तक विधि नहीं मिलेगा, वो जो धनात्मक रूप हो गया तब तक ये सफाई नहीं हो सकती। तो ये सूरत क्या रहेगी? स्तुति रहेगी, जगेगी। इसलिए घाट पर ये सूरत बैठी हुई है, अंतर घाट पर हाजिरी दो तो काम बनने लगे। और घाट छोड़ दिया अब नीचे इंद्रियों के घाट पर बैठ गए। सूरत का घाट तो अंदर है, दोनों आंखों के सामने, उसी घाट पर हाजिरी दो, ठोको ऐसे। जब ऐसे ठोकोगे सूरत से, यानी कानों से और आंख से, वो आवाज देगा, और आंख से ठोकोगे तो आंख खुलेगी, दिखाई देगा। और जब तक दरवाजे पर नहीं पीटोगे तो दरवाजा खुलेगा नहीं। तो आप बार बार पीटते रहते इंद्रियों के घाट पर, वो इंद्रियों के घाट पर है। धुन तो इंद्रियों के घाट पर आ नहीं रही, धुन तो सूरत के घाट पर आ रही, जहां सूरत बैठी हुई है उस घाट पर धुन आ रही, और वो आपका छूट गया। अब बिना भेदी के, बिना जानकार के ये नहीं हो सकता। वही सूरत को जोड़ेगा नाम के साथ, उस धुन के साथ, जो धुनात्मक धुन है उसके साथ जोड़ देगा। उसमें चेतनता है, वो शक्ति और आकर्षण है, तो इस तरह से खींचता है। तो इसी यानी मनुष्य शरीर से जीवात्मा को निकाल के बाहर कर देगा, बाहर हो जाती है शरीर। जैसे मौत के वक्त में शरीर से जीवात्मा बाहर निकल जाती है, ऐसे ही साधन के वक्त में बाहर निकल जाती है, इसको छोड़ देती है ढांचे को और ऊपर चली जाती है। और वह घूम घाम कर सब कुछ देख कर सब कुछ अनुभव करके फिर वापस आ जाएगी, लेकिन शरीर को कोई छेड़ नहीं सकता, उस शरीर की पूरी रखवाली रहती है, तो उसको कोई छू नहीं सकता। बोलो कहते वो स्वामी जो नाम को पा करके नामी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो अगर मिल जाए हमको तो ये सूरत धुन से अलग है, धुन से जोड़ देंगे। धुन है नाम, जहां से आवाज निकल रही है वो तो नामी है। तो जब आप धुन को पकड़ोगे, जैसे किसी जंगल में आप रात को फंस गए और चिल्ला रहे हो कि भाई कोई आदमी हो तो मुझे रास्ता बता दे, मैं भूल गया हूं। तो किसी ने आपकी आवाज को सुना कि जंगल में कोई रास्ता ढूंढ रहा है और चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, तो उसने कहा देखो भैया अंधेरे में तो मैं आऊंगा नहीं, मैं अपनी जगह से बोल रहा हूं कि मेरी जिधर से आवाज आ रही है उस आवाज को सुनो, धीरे धीरे उधर को आओ, मेरी आवाज को पकड़ के चले आओ। तो जिधर से आवाज आ रही उसको सुन रहा, तो धीरे धीरे उधर चल रहा, धीरे धीरे उधर चल रहा, आवाज को पकड़े हुए चला रहा। जिसमें से आवाज निकली थी उसके सामने पहुंच गया तो उसका साक्षात्कार हो गया। ये आवाज ये दे रहा था, इसने बुलाया था कि मेरी आवाज को तुम पकड़े आओ, पकड़ लो चले आओ, तो तुम जंगल से निकले आओगे, रास्ता मिल जाएगा। वो तो चला रहा, जब पास पहुंच गया तो रास्ता मिल गया। ऐसे वो नाम आवाज दे रहा है जीवात्माओं को, सबको दे रहा, लेकिन भेदी मिलेगा तभी वो नाम प्रकट होगा। भेदी नहीं मिलेगा तो नाम प्रकट नहीं होगा, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। आवाज दे रहा तो नाम है सब, जो आवाज आ रही है और तो जिसमें से निकल रहा वो नाम ही है। तो जब आप पकड़ के जाओगे और उस मंजिल पर पहुंचे, तो जो भी उस मंजिल पर बैठा हुआ स्थान पर उसका साक्षात्कार हो जाए, वो है नाम। कहते हैं कि वर्णात्मक नाम को बताया कि बाहर का नाम है जो लिखने पढ़ने में आया, और सूरत का जो नाम है शब्द वो मैंने आपको बताया कि ये इससे तुम लखोगे देखोगे, और उससे मिला दिया। तो शब्दों को जगा करके नाम से सुन कर तभी तो ले जाती, ऐसे नहीं ले जा सकती कैसी जगह नाम के ले जा, वो तो नाम के सहारे आए, नाम के सहारे जाए, खुद भी नाम के सहारे आते हैं खुद जाते हैं, वो भी नाम को पकड़े हुए नाम में से आए और नाम ही से उसे ले जाते घसीट कर। नाम से ही उनका उतार हुआ है और नाम से ही चढ़ा हुआ, और नाम से ही पहुंच गए, नाम से उतर आए,
आप आपको जब तोड़ देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे, तो ये सूरज भी नाम से चढ़ करके जाएगा। तो दो धाराएं नेगेटिव पॉजिटिव, एक धारा फेंकती है और एक धारा खींचती है। जो गंदी धारा है उसको नीचे फेंकती है और जो उज्जवल धारा है उसको खींच लेती है। तो नाम क्या है? उज्जवल है। उसका भी एक पाप उसे जानती है और कोई नहीं जानता है। वैसे आबादी तो बहुत है, बहुत तरह की बाड़ियां हैं, तरह तरह की बाड़ियां, देव बाड़ी, आकाश बाड़ी, ब्रह्म बाड़ी, भात भात की बाजे बज रहे, कीर्तन हो रहे, सब कुछ है, गाने गुने हो रहे, तरह तरह के हो रहे, अद्भुत, जो लिखने पढ़ने में नहीं आ सकते। लेकिन जब उसका भेदी मिलेगा तभी आप इससे निकल सकते हैं, बगैर उसके नहीं जा सकते। उधर तो सारा काम तो उधर ही है, अंदर धसा दिया और जब मारने घाट खुल गया और प्रकाश है तो उस रचना से निकाल के ले जाना मुश्किल है। तो इतनी आनंददायक रचना है कि छोड़ता नहीं है जीव, जब यहाँ नहीं छोड़ता है गंदी चीज को तो वो इतनी आनंद की रचना है तो उसको नहीं छोड़ता कि जरा इसको देख लू इसको देख लू। तो कहते भैया कुछ नहीं, आगे चल, तो ले जाने वाला तो चतुर होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, फंस जाएगा, रुक जाएगा, नहीं जा सकता आगे। तो पूरा भेदी मिले तब वो नहीं। भवनाथ पर नाम को लो, लेकिन महात्मा के द्वारा, जगे हुए पुरुषों के द्वारा भवनाथ पर नाम को लीजिए, उसको साफ कीजिए मन बुद्धि चित्त, और फिर जो भेद बता दे उस स्वरस से उसको साफ करो, नाम के साथ जोड़ करके उसकी सफाई करो। क्योंकि तुम मेहनत करो कुछ वो करेंगे, ऊपर से दया रही है, ऊपर से वो कृपा कर रहा। जब वो महापुरुष मिल जाते हैं तो दया सीधे आने लगती, नहीं मिलते हैं तो पता नहीं चलता कि दया किसका नाम, तो नहीं जगे, नहीं जगे। तो उस नाम से तो जीवात्मा की सफाई होती है और फिर जोड़ देते हैं उसके साथ। जैसे ही क्योंकि ये सूरज उस सदी का एक जल्ला है, ये उसमें मिलना चाहती है लेकिन उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो भटक रही चारों तरफ। जब उसको धार मिल गई अपनी तो फिर छोड़ती नहीं, फिर तो उसमें ताकत आ गई, शक्ति आ गई, उसके अंदर ज्ञान आ गया, फिर वो फंस नहीं सकती, इससे निकल जाएगी। तो शब्द की धार को पकड़ के जब उस ताकत पा जाती है तो मन बुद्धि चित्त फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर ये फीके हो जाती है, क्योंकि इसमें तो कोई रस है नहीं। जब आनंद उसको मिला तो ये सब रस फीके हो गए, मन इधर क्या, मन क्या तो करेगा, मन तो ऊपर से आया हुआ, वहां से उसको जब आनंद मिला तो चुप हो गया, कुछ नहीं बस। तब जाकर के सूरज सत्य के साथ जुड़ती है, ऊपर चढ़ती है, तब जलवा देखती है, तब दृश्य देखती है, क्योंकि वो तो अद्भुत अद्भुत रचना ऊपर। बोलो कहते हैं जितने से धुन आ रही है वो, और जहां तक आ रही है वो, दोनों को एक जानो, वो अलग नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज निकल रही है और जहां तक जा रही है वो एक ही है, उसको दो मत समझिए। मत दो तो आप है जो धुन से अलग है, जैसे ही धुन पकड़ी तो वहां क्या दाने में लगता हो, जैसे बिजली आती और जाती है, आती और जाती है, ये तो बिजली कुछ नहीं आ रही जा रही, सूरज की चाल इस तरह से हो जाती, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, क्षण में जाएगी क्षण में आएगी, इस तरह से। तो कहते हैं उसको एक जानो, पर वो भेदी गुरु मिलना चाहिए, जानकार जिसने इसकी कमाई की है, जो शब्द रूप हो गया, बिना शब्द रूप के कोई इस राज को जान नहीं सकता। तो आप बोल क्या करते, अरे भाई उस समय पर आप बताते तो सब बोया हुआ सब बेकार हो जाता, लेकिन धीरे 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 आपके पीछे लगे रहे और यहां तक ले आए कि अब सुनने को तो तैयार हुआ, अब सोचने लगे कुछ करना चाहिए, मनुष्य जीवन बेकार जा रहा है, और जो चला गया वो तो खत्म, वो तो लौट के आना नहीं है, जो आज का दिन खत्म हो जाएगा और कल नहीं आएगा, जो पीछे की आपकी आयु खत्म हो गई लौट के आनी नहीं है, अब जो आगे बाकी रह गए उसी में कुछ काम करो, तो उसमें क्यों नहीं करते। आपको सुलभ रास्ता सीधा आसान, मदद करने को तैयार हूं अंदर से भी बाहर से भी, थोड़ी सी तुम कम से कम थोड़ी मेहनत करो, निमित्त मांग थोड़ी आप करो, थोड़ी मेहनत हम करें, जल्दी से उखा हो, शुद्धि सफाई हो जाए, घाट खुल जाए, तभी तो आप चल पाओगे। उधर तो मैदान खुले हुए, उधर तो कोई बंधन तो है नहीं, उधर तो ये तो रोशनी कुछ नहीं है, ये जा रहा कुछ भी नहीं,
कि तो उसकी छाया है, जो उधर है वो तो क्या वर्णन किया जाए, क्या आपको बताएं। लेकिन इनमें से जो बैठ के देखते हैं वो कहते हैं जो मेरा जीवन बेकार होते बेकार चला गया। अरे भाई वो तो चीज ऐसी है, जीवन बेकार गया, इसमें लगे पड़े रहे आप, इसमें बर्बाद हो, कुछ नहीं रहा, नाश कर दिया अपने समय को और आप अपने जीवन को, क्योंकि मनुष्य शरीर फिर कहाँ मिलना। ये तो मतलब ये छूटा तो सज्जन तो आप त्रेता कितने खत्म होंगे, फिर मिलेगा ही आपको तो ये मालूम है नहीं है, इस ज्ञान को तो आप जानते नहीं हो, महापुरुषों को मालूम है कि फिर मनुष्य शरीर मिलता तो वे जीवात्मा की दशा क्या होगी। इसलिए कहते हैं कि वो जिसमें से धुन आ रही है, जहां तक आवाज जा रही है वो एक है, वो तो तुम उससे जुड़े नहीं, असली तो मालूम होते हैं, जो तुम जुड़ गए उसके पास पहुंच गए, लौट आए पहुंच गए, लौट आए पहुंच गए, तुम भी एक हो जाओगे, फिर अलग नहीं रहोगे, फिर एक ही हो जाओगे। इस तरह से अलग अलग खंडों में उसने मतलब ये कि रचना शब्दों की विस्तार किया, सारा रचना ही शब्दों की है, आवाज की रचना है, यानी 24 घंटे घंटा घड़ियाल तुम्हारे कानों तक बज रहा है जोर शोर के साथ में, लेकिन तुमको कभी सुनाई नहीं देता क्योंकि कान तुम्हारे बंद है, आंख बंद है, और ये खुल जाए तो इतनी जोर से बज रहा है 24 घंटे और चारों मुटुमों से लगातार कि इतनी आवाज किसी में है ही नहीं, किसी चीज में आ नहीं आती इतनी आवाज हो रही। तो असल में बात यह है कि वो मिलना चाहिए इसका भी, वो नहीं मिलेगा कुछ नहीं बोलो। सूरत और शब्द जब एक हो जाते हैं तब फिर अनुभव में आता है। तो यही सूरत सत्य में लय होकर के तमाम ब्रह्मांडों को देखती है, एक दो ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड है। उस सतपुरुष ने सतलोक से अनेकों अनंत ब्रह्मांड बना रखे और खचाखच जीवात्माएं भरी हुई उनमें, कोई जगह जरा सी भी खाली नहीं है, यहाँ तो खाली मालूम होती है लेकिन वहां कहीं भी सारा खेल जीवात्माओं का है। यानी पलक के मारते महल तैयार कर दे, इतना बड़ा महल जितना सारा संसार है, इतना बड़ा एक पलक के मारिए तैयार होगा, और एक पलक मार दीजिए पूरा का पूरा महल खत्म, सारा चेतन उठागा पलक। जिसके अंदर चाहना है मालिक को प्राप्त करने की और वो खोज रहा है कि कोई गुरु मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए, कोई विधि मिल जाए, तो जरूर मिलेगा, निश्चित मिल जाएगा और सच्चा रास्ता मिल जाएगा। जब रास्ता सच्चा वेद मिला तो करनी करो, करनी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा, कहते इंद्रियों को दे, गुरु की मौत में सब कुछ है। बात असली यह है कि जिसको चाहे उसको मार दे, जिसको चाहे घसीट ले, दरवाजे में बैठा ले, नाम के साथ दो, उनकी मौत में सब कुछ है। तो तुमने कभी उनकी मौत मर्जी पर की, जो मन में आया जो बुद्धि में आया वो काम करते रहो, चलाते रहे, अरे भाई ये काम मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बस वही काम कर रहे हो, अपनी बुद्धि लड़ा रहे हो, इंद्रियों की तरफ भाग रहे हो, और जो वो दे रहे देना चाहते हैं उनकी कभी मौज मर्जी, तुमने कभी परखी, कभी मौज ली उनकी, उनकी मौत तो वापस ले जाने की है, तुम्हारी मौज है फंसने की। तो कहते हैं उनकी मौज मर्जी में सब कुछ, जिसे चाहे उसे मारे, अरे उनकी बात मौज मर्जी पर है, लेकिन पहुंच तो जाओ वहां तक, उनकी मौज मर्जी को इच्छा को ले तो लो, तो चाहते क्या है, तो तुम वो भी नहीं चाहते, मानते हो इधर उधर तुझे क्या मिलेगा, बहुत पिटा है, परेशान है, अब चारों तरफ से घिरा है, राम न घर में न बाहर कुछ है,
अब सोचता है क्या कर रहा है, अरे क्या है तेरे सामने तो मोती है और कुछ नहीं, अंधेरे अंधेरा है, कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं वो महापुरुष मिल जाए तो तेरा लोक भी बन जाएगा और तेरा परलोक भी बन जाएगा, दोनों काम तेरे सुधर जाएंगे, ये भी सुधरेगा वो भी सुधरेगा। अब वो मौज मर्जी है तो तेरा ये भी सुधार हो जाए, मौन मर्जी ले ले तो वो भी काम हो गए, जीवात्मा भी जल जाए और घर की तरफ चल पड़े, ये भी काम आसानी से कर लेना वो इधर काम हो जाएगा, लेकिन मौज मर्जी। बोलो भाई गुरु क्या करते हैं? ओ तन मन धन, कहते हैं कि भाई तुम फंसे हुए उसमें, तन मन धन लाओ इधर, इसकी शुद्धि सफाई करते तो इसी को काम मिलो। अरे भाई ये नहीं कहते कि तुम खेती दे दो, जमीन दे दो, रुपया पैसा दे दो, सोना जाती, अरे तन मन ये दो चीजें अर्पण कर दो, क्या चाहे ले लीजिए, ये जैसा चाहे वैसा कर दीजिए, उसकी सुधी सफाई कर दे, फिर तुमको दे दे, चलो रखो, अब इससे कोई खराब काम करना नहीं, जो अच्छा हो काम करना, कोई काम करो जो अच्छे काम उनको बता दे कि ये काम अच्छा है, ये खराब है, इसको मत करना, अच्छे को करना, तो कभी आप नहीं फंसोगे, फिर कभी इसमें उलझोगे नहीं। और अभी तो आप मतलब ये तो जानते ही नहीं हो, अभी तन मन को समझते ही इसने क्या किया, इंद्रियों ने क्या किया, वो तो रोज भूल जाते हो, दिन भर करते और शाम को सब भूल गए, तो वहां तो लिखा पड़ी हो रही है, तो उजाले में बैठ के लिख रहा तुम्हारा सब, तुम अंधेरे में अंधकार में हो, अंधे हो, और उजाले में बैठ के सब तुम्हारे कर्मों को लिख रहा, आज तुमने ये किया, ये किया, ये मारा, ये काटा, धोखा दिया, झूठ बोला, चकमा दिया, ये जेब काटी, ये किया, और तुमने पानी पिलाया, खाना खिलाया, झाड़ू लगाई, आदर किया, सत्कार किया, अपमान किया, गाली की, गलौज की, ये सब हिंसा की, आदमी मारे, बच्चे औरतें पशु पंछी मार दिए, तो सब नोट कर रहा है सटासट, उसकी कलम डूब रही है, तुम यहाँ कह रहे हो तो देख नहीं रहा, वो तो उजाले में बैठा, जब आग खुलती है तो लिखने वाले को देखते हो, ये लिख रहा बैठ कर, सबका कर्म लिख रहा, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम तो इसको जानते नहीं हो कि भाई मन ने क्या किया, बुद्धि क्या कर रही है, तो महात्मा जब समझा देंगे, शुद्ध करके, पवित्र करके जब देंगे, तब तेरा मन लगेगा, तब तेरी सुरक्षा चलेगी। कहते मौज मर्जी, फिर भी उनकी चाहिए बगैर मौज मर्जी है कुछ नहीं, तेज से तो अभी तक कुछ नहीं बना, तो आगे क्या है, तो उनकी दया साथ लेते, मौज मर्जी उनकी दया है, वो चाहते हैं कि तू जल्दी निकल चल, तो वही काम करो जब जल्दी से निकल चले, इस शरीर से जल्दी निकल के अपने घर में पहुंचे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन। जब साफ कर देते हैं तो ये इस तरह जा करके तुमसे लग जाती है, हर वक्त 24 घंटे सुनती है, उसको पकड़े रहती है रात को भी दिन को भी, तुम तो ये समझते हो कि वो सो गया, उसी तुम में सो गया, उसमें लग गया, उसको तो शरीर का कोई ज्ञान नहीं, निकल गया, तुम्हें समझ रहे हो सो रहा, और वो सूरत शब्द के साथ जुड़ करके निकल गए, कुछ मालूम ही नहीं होता, सो रहे हैं, गुरु क्या करेंगे, तन मन को माँच देंगे, साफ कर देंगे और धुन के साथ जोड़ देंगे, सूरत को, सूरत है चेतन, तन मन ये चेतन नहीं है, जड़ है ये, तो सूरत के कारण उसकी चेतनता से चेतन हो रहे, और ये उसके औजार है काम करने वाले, उन पर्दों में जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के औजार, लिंग शरीर के औजार, सूक्ष्म शरीर के औजार, कारण शरीर के औजार, और सूरत जब शब्द रूप मिल जाएगी तो इनमें से कोई साथ नहीं रहता, वो तो सूरत शब्द रूप हो जाती है, ये कोई मसाला नहीं है इसके साथ, निकल बोलो। कहते हैं कि हमने वर्णात्मक नाम भी बताया और धुनात्मक भी, जो जिज्ञासा से बोला जाए उसका क्या होगा और सूरत से सुना जाएगा उस नाम को क्या कहते हैं, कहते हैं दोनों का अलग अलग बता दिया,
लेकिन जो जानकार जो बूढ़े होते हैं महात्मा उनसे नाम फिर आप लीजिए, वो कमाया हुआ नाम है, वो नाम लाभ करता है। मन बुद्धि चित्त को इंद्रियों को साफ करना, जब शुद्धि सफाई करेगा तो अंदर में आप जल्दी से काम कर लो, फिर सूरत को संत के साथ जुड़ करके उसको भाजना है, ये सफाई पर्दा उतारना गंदगी, इतनी गंदगी ऐसे जाती है जैसे आधी आई तमाम बानूड़ी और दूसरी जगह ढेर जमा हो वहां जाकर। इसी से मालूम कर लो कि पृथ्वी क्या एक बालू है, जब हवा चलेगी तो सारी बालू उड़ जाएगी, ये पहाड़ आर कुछ नहीं रहते, एक भी पत्थर नहीं, इसको पकड़िए तो राख राख कुछ भी हाथ में नहीं पड़ेगा, यानी इससे भी बारी ये सब गल जाते हैं, बिल्कुल राख हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से उसकी तन्नता का जब शब्द जब खींचता है तो यहां कुछ नहीं रहता, किसी चीज में कुछ नहीं रहेगा, पृथ्वी में कुछ नहीं रहेगा, अग्नि में कुछ नहीं, पानी में कुछ नहीं रहेगा, आकाश में कुछ नहीं रहेगा, सात चीज एकदम सूख करके बिल्कुल ऐसे, देर नहीं लगती है, ऊपर से स्थान से अगर आवाज घंटे और संगी निरंजन भगवान बंद कर दे तो पलक के मारते थे ये सारा संसार खत्म होगा, एक ऐसे पलक मारिए खत्म, क्योंकि उन्हीं की आवाज पर तो टिका हुआ था, चारों तरफ आवाज गूंज रही है, उसी पर यह सब तना हुआ है, और आवाज को बंद किया सबसे मिटिया, जैसे ही ऐसे आवाज को उसने खींचा और बंद किया सब समेट जाएगा, कुछ नहीं रहता है, कुछ है ही नहीं, तभी तो महाप्रलय में सब समेट जाता है, ऐसे वो आवाज ऐसे धीरे से कितना समेटता चलाता है, इधर देखिए ऐसे करते ऐसे बस ऐसे हो गया, कुछ नहीं रहे, जमीन आसमान पूरा पश्चिम सूरज चांद सितारे आदमी जानवर पशु पक्षी कुछ नहीं, स्वर्ग और वैकुंठ कुछ नहीं रहते, सब ऐसे समट जाते हैं, तो सारा खेल तो शब्द का है, नाम का है, आवाज का है, बाजों का है, साउंड का है, यानी देववाणी कर्मा और आयतों का है, ये सारा सारी रचना उसी पर है, लेकिन सूरत कब सुनेगी, जब कान खुल जाएंगे तब देखती है कि किस तरह की आवाजें हो रही हैं, तब उसको भांत भांत की आवाजों का अनुभव होता है, अलग अलग मंडलों की अलग अलग आवाजें हैं, स्वर की आवाज अलग है, कुछ की आवाज अलग है, शक्ति लोग की अलग है, ईश्वर के लोग की अलग है, यहाँ की आवाज अलग है, तो यहाँ की आवाज तो ये शरीर सुन ही रहा है, लेकिन वो आवाज चेतन आवाज है, अलग अलग आवाज है, उसी आवाज से उसमें मंडल में उसी ब्रह्मांड में जीव आत्माएं रहती हैं, अगर वो न रहे तो वहां टिक नहीं सकते, तो सारा खेल जो है शब्द का है, नाम का है, आवाज का है, उसके बगैर कहीं कुछ नहीं, ये सारी सृष्टि नाम के शब्द की है, और ये खारिज किया हुआ मसाला है, ये यानी वहां से निकाल दिया गया, अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं, इसलिए तो जीवात्माओं को भेजा था कि उतार आओ नीचे, और नीचे उतार करके हम अपना बोध भेजते हैं, उसको हमेशा प्राप्त करते रहना, उसके द्वारा चले आना, तो यहाँ नीचे आए तो यहाँ फंस गया, बस इतनी गलती हो गई आप, आपको तो जगा हुआ रहना चाहिए था, लेकिन हाँ बहुत सी सूरतें आई वापस हो गई पीछे से, यानी आपको कानून में फंसा करके वो बात किया, अब वो जाने नहीं देता, अब वो महात्मा आते हैं तो कहते हैं अरे भाई अब से जाग जाओ, अब चलो हम तुमको मदद देंगे, तो आप चलिए तो उनके पास जाओगे तभी तो भाई वर्णात्मक में तो जगत भूल गया, पढ़ते हैं उसको सुनते हैं ये नाम है ये नाम है ये नाम, और मतलब ये कुछ नहीं उसमें भूल गए, लेकिन जो धनात्मक नाम है उसको संत जानते हैं, उन्हीं को मालूम और किसी को पता नहीं, कि जो अपने आप धुन हो रही है, जो लेकर के आई थी और लेकर के लेने के लिए तैयार खड़ी है, वो महात्मा जब सिद्ध कर लेते हैं तो वही तो नाम जहाज है, नाम नौका उस पर सवार हो बहुत सागर से उतर के, क्यों आप जन्मों मरो, क्यों 84 और क्यों नरकों में जाओ, पार उतर जाओ, यही मनुष्य शरीर पार उतरने का है, जितने लोग आए
वो मरने से पहले पार उतर गए, पार उतारा। जैसे गोस्वामी जी आए, नानक जी आए, रैदास जी आए, आसिफ मीराबाई और सिर्फ तमाम लोग आए इसी कलयुग में 700 वर्ष के अंदर, तो तमाम जीवों को पार उतार दी। ऐसा थोड़ी ऐसे ही आए चले गए, ऐसे भी पार उतार। इसलिए बड़े सौभाग्य तुम्हारे कि तुम ऐसे स्थान पर ये मान करके आए हो कि चलो भाई कुछ ले आएंगे। ये तो हम जानते हैं कि आपको तकलीफ है, हमको सब मालूम है, बहुत कष्ट है, तरह तरह बात बात के कष्ट हैं, और तुम्हारे कष्टों को कोई सुनने वाला है ही नहीं। जो तुमको पड़ोस की है और राज की जो कुछ भी पीड़ा है उसको कोई सुनने वाला नहीं। तुम तो तुम्हारी पीड़ा को जो तुम्हारे दर्द को जानता है वो सुनेगा, बाकी कोई सुनना नहीं। और तुम रोते ही रहोगे क्या होने वाला है। इसलिए तो मुझे मालूम है कि आप बड़े दुखी हो, बड़ी तकलीफ हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इसी के बीच में अगर तुमको ये अमूलक चीज मिल जाए तो तुम्हारा ये सभा सदा के लिए कब तक कट जाए, इस सदा के लिए छुटकारा पा जाओ। फिर काय पूजा में आते, अरे सीधा रास्ता चल पड़ो। तो जो भजन करते हैं उनका पार से भी संकट हल्का हो जाता है, दुख जाता है, तकलीफ जाती है। जब भजन करोगे सच्चा तो तकलीफ जाएगी, भजन करोगे शक्ति प्राप्त होगी, भजन करोगे आनंद होगा, और भजन करोगे तो सूरज जाग जाएगी, भजन करोगे शरीर से निकल के चल पड़ोगे। तो भजन करने से बड़े लाभ लोक के परलोक की, इधर का भी सुधार उधर का भी सुधार। हमें तो समझदार हम लोग जगत के लोगों ने जो किताबों का नाम जपा वो तो भेद उसका पाया नहीं महापुरुषों से, और कोई लाभ तो उसको मिला नहीं। तमाम साथ पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, पुराण पढ़ो, तुम पंडित बन जाओ, मुलजा बन जाओ, साधु बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन उसका फल आपको क्या मिला, खुद नहीं मिला दूसरों को क्या देंगे। जब तक उसका भेद ही नहीं मिलेगा, तो पूरा नहीं मिलेगा भेद जानने वाला, तब तक ये फल आपको नहीं मिल सकता। किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो महात्माओं ने कमाया, वो लिखा, आपने तो कोई कमाई की नहीं है, आपने कुछ मेहनत करनी की नहीं। किताबें आपने अच्छे ने उसको पढ़ लिया तो उसमें समझ में क्या आएगा। वो तो घाट पर आपको कमाई करना है, जो हरि का घाट है जिस पर जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई उसी के सामने घाट है, तो उस पर कभी आप बैठे कि चलो घाट पर पहुंचे हम। वो तो हरि की पौड़ी है, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, वही से सीढ़ी है उसी पर तो चढ़ के जाएंगे आप। वो तो नाम की शब्दों की सीढ़ी लगा रखी है उसने, जब आप एक नाम शब्द को पकड़ोगे बस चढ़ चढ़ोगे, बस सीढ़ी बनाई, सीढ़ी दर सीढ़ी, इस सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पकड़ पकड़ करके उसी ध्वनि को, उसी का आवाज को, उसी बाजे जब पकड़ के चढ़ोगे तभी तो पार होगे। ऐसे कैसे पार हो जाओगे, तो उसका भेदी कोई मिला नहीं, तो उसका फल इनको कुछ नहीं मिला, ना खुद पार हुए ना दूसरों को पार कर पाए, वो भी भ्रम में रहे, भी भ्रम में रहे, दोनों के दोनों मनुष्य जीवन बेकार चले। लेकिन आंख तो तुम्हारी खुली नहीं, तीसरी आंख दिमाग ज्ञान चक्षु जो सूरत में है वो तो आपका खुला नहीं, वो तो जैसे कहते नहीं रहा दे रहे, तो आप बोला क्या हुआ। अरे सहस्त्र लाख आपने जब डाले नाम को, जब आपने किताबों को पढ़ करके, लेकिन आंख तो नहीं खुली, कान तो नहीं खुले, आप तो मिला आपको क्या, और बगैर धुन के वेदी के कोई कुछ पा नहीं सकता। बोलो अब ये संसार का तिमिर यानी अंधकार कैसे आपका जा सकता, फिर जब अंधकार नहीं जाएगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छूट सकता। कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी मोह कभी अहंकार ही आपको दर तक पटकेंगे तो गिरा देंगे आपको, ये तो जाएगा नहीं। क्यों कि तिमिर कहते हैं अंधकार नहीं गया, आंख खुली नहीं गई, और सैकड़ों लाखों जन्मे का अहंकार हो गया, और अहंकार उसको हुआ कि करा कराया सब गया जब आया अहंकार। कहते हमने ये पढ़ा, हमने ये नाम लिया, हमने वो नाम लिया, अब आपको अहंकार आ गया तो सब चला गया आज से। अब वही है काम क्रोध लोग मुझसे बर्थ हो, अब अगर कोई कुछ कह दे तो क्रोध करते हैं। हमने देखा नहीं कि बाबा जी को लोगों ने बहुत कुछ कहा,
किसी ने गाली दी, कुछ ने कुछ कहा, हमने कुछ कहा भी। आपने तो बहुत बुरा भला कहा कि अपने को जय गुरुदेव कहते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तो वो है, हमारा तो नाम जय गुरुदेव नहीं है, आपका भी नाम नहीं। तो आपने तो उल्टी सीधी बात की, हमने कभी आपसे कुछ कहा कभी नहीं, हमने तो प्यार किया आपसे, कभी कोई बात नहीं की। यदि क्या नहीं आपने कहा, जो आपके पास शब्द नहीं है उसको भी आपने कह दिया, तो हमने तो आपके लिए कुछ मन नहीं खराब किया है। वो तो आपका मन है, आपकी बुद्धि, आपका चित्त है, आपने जो आपकी इंद्रिया है, आपके आंख और कान है, वो से तो जो कुछ आपने किया वो तो किया, लेकिन हमने तो आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। देखो जो विचार, हम तो ये सोचते रहे भाई, जब जग जाओ जब ही जग जाओ, जब चेत जाओ जब ही चेत जाओ, जब समझ में आ जाए जब ही आ जाए। हम तो आपके पीछे लगे रहे और उसका परिणाम ये हुआ आपके सामने कि आप सुनने के लिए तैयार हो गए कि भाई जीवन चला गया, अब तो कुछ करना चाहिए। बात तो सही है, इसी का तो आपके यहाँ 7 दिन का, यहाँ दूसरा और कोई काम नहीं, और इसी काम के साथ सब काम है, घर गृहस्थी का भी काम, दुकान दफ्तर का भी सब काम। अगर इसका सुधार हो गया तो सब चीजों का सुधार हो जाएगा। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, अगर तुमने इसको नहीं साधा तो ये सब कुछ नहीं सदेगा, सब बराबर वीरान हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक के साथ में सब सज जाएगा, गृहस्थी भी बन जाएगी, काम भी बन जाएगा, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, सब काम हो जाएगा एक को साधो, नहीं तो इसमें पहले एक काम पूरा और अंधेरे में पड़े रहे। अब अहंकार आ गया, उसी का तो परिणाम है। अरे मनुष्य मंदिर है ये, जिस पानी में गिर इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और 2400 घंटे परमात्मा बोल रहा, अखंड कीर्तन आए थे, कलमा देवबाणी आकाशवाणी 2400 घंटे घनाघोर हो रही है, लेकिन अब तुमको तो उसका ज्ञान नहीं और उसको नहीं सुनते। अगर कोई निधि मिल जाए तो धीरे से आपको पकड़ा देगा, फिर तो आपके लिए सहज हो गया। कितने युगों का जन्म कट जाएगा, कितने आपने जन्म धारण किए और कितने और करते, तभी आप कटोगे जब जाग जाओगे तब। इसलिए महापुरुषों की जरूरत है, बगैर उनके काम नहीं होता। कहते हैं कि धुन का वेदी जब गुरु नहीं मिला तो कौन मतलब ये लिखाएगा उस धुन को, जिससे खेद मिट जाए, जिससे तकलीफ मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, 84 का चक्कर मिट जाए, नरकों की यात्राएं खत्म हो जाए। धुन का जब वेदी मिलेगा तब ये चक्कर कटेगा दुखों का, नहीं चक्कर नहीं जा सकता। जानकार होना चाहिए ये महात्मा सब कुछ। अब इनसे ये तो रत्न है, अब आपको तो ये मालूम नहीं, अगर मैं वैसे बोलने लगूं तो आप कहोगे अपने पास से कोई चीज कर रहे हो, तो मैं कोई चीज क्यों, मैं तो प्रमाण दे दूं आपको, एक नहीं 1 लाख। किसी कलयुग में महापुरुष आए और तमाम लोगों को जगाया, और जिनको जगाया उन्होंने प्राप्त किया, और वो सब के सब चिल्लाए प्राप्त करने वाले कि मैं पार उतर गया, और सब कुछ जानने वाले जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ जान लिया, उतर गए पार। ये घर आपका नहीं है, परदेश है, या कोई आराम से नहीं रह सकता। बोलो कहते हैं कि कर्मों के वशीभूत होकर काल ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया ठोक ठोक करके, और कहते हैं कि हमने लाख और सहस्त्रों बार यानी नाम जप लिया लेकिन आंख नहीं खुली, रहे संशय भरम में। तो बुद्धि खूब ठोक डाली और घसीट करके लिए जा रहा, वो ले जाएगा वहां 4 खानों में 84 लथिया वहां बंद करेगा और फिर सख्त सजा देगा। तब आप क्या कर सकते हो, बोलो। तो दया करके संत चिल्लाते हैं, गौराते आवाज देते हैं कि मनुष्य जीवन जा रहा,
अरे जीवात्माओं की रक्षा करो, ये मनुष्य रूपी मंदिर है इसमें जगाओ और जल्दी से इसको पार उतारो। तो जरा भी चित्त में नहीं देते, उधर ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं बुद्धि से, कोई कितना चिल्ला रहा बात दे रहा। अभी देखो गुरु पूर्णिमा हुई थी टुंडा में, पहले उधर गोरखपुर में, फिर बस्ती में, फिर इधर में आपके कुंडा में, फिर आपके उधर निगुआ में, फिर अबकी आपके त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में, अभी गुरुपुर चिल्ला रहे हैं आप, अरे कुछ कर लो कुछ कर लो, अरे कुछ ले लो, ये सौ सर नहीं मिलेगा। और देखो इतने बीच में कितने आदमी चले गए, उनसे कहा था कि तुम दो महीने चार महीने में चले जाओगे, उसी के अंदर कुछ प्राप्त करो, सुनते रहे। इससे ये मालूम हुआ कि उनकी बुद्धि को काल के कर्मों यानी इस देश के कर्मों ने छेद डाला, छेदन कर दिया, छेदन का मतलब भेदन कर दिया, नष्ट कर दिया, संशय में डाल दिया, इसलिए कुछ नहीं करते। और संत गौराते चिल्लाते हैं भाई जा रहे हो डूबने, जा रहे हो डूबने, अरे उतर जाओ पार, अभी समय है, तो सुनते नहीं। बोलो कहते हैं कि पांच स्थान पांच भेद पांच नाम अलग अलग बताते हैं। वो कहते हैं कि सूरत के आने और जाने का रास्ता है, इसी नामों को पकड़ के इन्हीं स्थानों से उतरकर ये सूरत मनुष्य रूपी इस शरीर में इस लोक में आई और इसी को पकड़ के चढ़ जाओ। ये पांचों स्थान और पांचों धनी और पांचों स्थानों के मालिक ये सब मिल जाएंगे आपको। वो कहते हैं और राह बताते हैं लेकिन सुनता ही नहीं, तो जानने वाले मिलेंगे तब तो ऐसे कौन बताएगा। बोलो कहते हैं कि दोनों के नाम कि दुनगी ये है, आवाज उसकी है, ये आवाज है, ये उसका रूप है, ये उसका स्थान है, सब दर्शाते सब बताते हैं। और ये उसका घाट है, यहां से बैठ के पकड़ो चलो चलो, वो सब बता करके और करनी कराते हैं और आंख खोलते कान दोनों के साथ जोड़ते और निकालते हैं। तभी तो स्थान पर पहुंच के दर्शन करोगे। इसी तरह से जब गुरु मिल गए तो सिद्धार्थ जी महाराज को, तभी तो मोर लोग राम मुस्काए, तभी तो उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। कोई ईश्वर है ब्रह्म, ईश्वर है जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं, कोई ईश्वर है उसको उन्होंने प्राप्त किया। ब्रह्म को भी गुरु ने बताया था, ब्रह्म को भी प्राप्त किया, पार ब्रह्म को भी प्राप्त किया और उस सत्पुरुष को भी प्राप्त किया। रास्ता बताते हैं, दोनों का परिचय देते हैं कि ये रास्ता ये तो ये उसका नाम है, चलो इसको पकड़ो चलो। अब अनुभवी जब होगा तभी तो बताएगा, इन किताबों से आपको क्या मिलेगा, अनुभवकार बताएंगे, अनुभव नहीं होगा तो कुछ बता नहीं सकते। बोलो भी मंदिर में यानी इसी में जीवात्मा जगा कर गगन में उसे जमीन की तरफ घर की तरफ यानी तुम्हारे शरीर से ऊपर जो आकाश है, लेकिन वहां जीवात्माओं की जमीन ऊपर है नीचे आसमान है, उधर से अपनी जमीन से आए हो, अगर शरीर में बंद कर दिया तो शरीर की जमीन नीचे है, तो कहते हैं ऊपर गगन की तरफ चलो ऊपर। जब इधर से आकाश के ऊपर चले जाओगे तो जमीन छूट जाएगी और निकल चलोगे ऊपर। वो कहते हैं पूरा दर्शाते पूरा बताते पूरा बोध कराते ऐसे ऐसे चलो, हम उधर भी मिलेंगे इधर भी मिलेंगे, उधर चलोगे खुली दुनिया में खुले लोगों में प्रकाश पर उधर भी मिलेंगे, उधर भी आपको बताएंगे इधर भी बताएंगे। बोलो कहते हैं कि जब उधर चढ़े तब ब्रह्मांड परखेगा तब देखेगा, और फिर सबसे पहले सैदल कमल जिसमें निरंजन भगवान ईश्वर बैठे हुए वहां जाकर के तब उसको देखने को मिलेगा कि ब्रह्मांड किस तरह के,
इन ब्रह्मांडों में क्या है, तब बोध होता है सूरत को, ऐसे बोध नहीं होगा। ये नीचे बैठी रहेगी और क्या उसे मालूम, वो तो ऊंची मंजिल पर जाए तो ये मालूम होता है कि इतना सा है ये सारा देश इतना सा, और ये सामने ऐसे दिखाई देता है जैसे ये वो नहीं। याद है तो तुम्हारी आंखों के लिए और बुद्धि के लिए तो हम एक और बहुत दूर है, लेकिन ऊपर से नीचे सामने सब दिखाई देते हैं, जितने भी लोग हैं सब दिखाई देते हैं सामने, कोई दूर थोड़ी है वहां से, इतनी ऊंची मंजिल है वहां से सामने सब दिखाई देते हैं, इसलिए तब ये ब्रह्मांड देखने को मिलता है।